सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एक्टी गेम यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का सबसे सेफेस्ट हाउस। मतलब कि ये हाउस इतना ज्यादा सेफ है कि कोई भी मॉब इसके अंदर जा ही नहीं सकता। ये घर बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर कर लेना। सो ये रहा वो घर, देखने में तो बिल्कुल एकदम सिंपल दिख रहा है, पर देख रहे हो कैमरा वगैरह लगा है बाकायदा। यहाँ पे देखो ये लेजर के लिए लगा हुआ है। तो ये घर कैसे काम करता है अभी मैं दिखाता हूँ। सो ये सब कैमरा सही में चलते हैं, शो में नहीं लगे, और यहाँ पे लेजर भी निकलती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे बटन दबाया और ये खुल जाता है। देखा, यहाँ पे आप लोग गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हो, मतलब माइनक्राफ्ट में कौन सी गाड़ी होती है। तो ये जो अंडे दिख रहे हैं मेरी इन्वेंट्री में, दरअसल ये ओपन करना और डी ओपन, ये डी ओप इसका क्या मतलब, डी ओपन करना। तो डी ओप करते हैं हम लोग। तो ये देखो मेरे पास घर, मतलब मैं अब घर नहीं खोल सकता किसी भी तरह से, मैं कुछ भी नहीं कर सकता घर में अब। और अब ये ओपन वाला दबाया तो वो इफेक्ट हट गया, अब मैं घर में जा सकता हूँ। तो ये देखो दरवाजा भी खुल जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक है, पूरा घर ऑटोमेटिक है। सो ये देखो यहाँ आया मैं, दरवाजा बंद हो गया, और वहाँ गया दरवाजा वापस से खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया। ये देख लो कितना ऑटोमेटिक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक स्पेशल किताब है मेन्यू। सो इस किताब में घर के पूरे फंक्शन दिए गए हैं, घर में जितनी भी चीज़ें देखो सब के सब चीज़ें, लेजर डोर वगैरह, एंटी मॉब्स, ये क्या चीज़ें, मतलब देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है घर में। तो सबसे पहला ट्राई करते अपना कैमरा। कैमरा देखो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके हिलता भी है शायद ऐसे ही। ये देख रहे हो जहाँ जहाँ कैमरा लगा था सब दिख रहा है, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ, मैं यहीं तो खड़ा था। ये देखो मैं दिखा ही नहीं। सो अब चेक करते हैं अपना ये जो लेजर डोर है, लेजर डोर कैसे काम करता है। देख रहे हो क्या ही लेजर आ गई, रेडम रेड लेजर। इसमें हम लोग पार करें तो कितनी हार्ट जाएंगे देखते हैं। ओ माय गॉड, दो दो हार्ट ले जाता है। अरे भिंडी, फिर से दो हार्ट ले गया, फिर से दो हार्ट ले गया। मैं अपने ही घर के लेजर में क्यों मर रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर जो दूसरी सिक्योरिटी है वो है लावा आउटलाइन। देख रहे हो लावा की आउटलाइन बन गई 2x2 ब्लॉक की, और पूरे घर को घेर के रखा है। देखो चारों तरफ है घर के। चिकन को देखो बाहर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, कि ये बंदा कर क्या रहा है। देखो क्या ही मॉडर्न घर है। अभी चलते हैं छत पे, पर उससे पहले यहाँ पर केक लगा है, केक खा लेते हैं क्योंकि हेल्थ डाउन हो गई है ना। सो ये घर रहने लायक है, मतलब अंदर से देखो कितना ही मस्त लग रहा है, लेकिन रहने लायक तो सभी घर होते हैं यार, किसका घर रहने लायक नहीं होता। मेरा घर है ना, मेरा घर रहने लायक थोड़ी ना है। देखो क्या ही मस्त कमरे हैं घर के अंदर। तो ये देखो बालकनी से क्या ही आउट व्यू आता है, देखो लावा चारों तरफ है घर के। सो अब आते हैं अपनी तीसरी सिक्योरिटी पर। तीसरी सिक्योरिटी इलेक्ट्रिक केज की, इसका क्या मतलब। अरे भिंडी, ओ माय गॉड, देखो पूरा का पूरा घर ही घेर लिया वे। अब इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और क्या ही हो सकती है। देख रहे हो पूरा का पूरा घर ही पैक हो चुका है, कोई भी मॉब, उड़ने वाला मॉब भी नहीं आ सकता घर के अंदर। तो अभी आखिरी सिक्योरिटी बाकी है, इलेक्ट्रिक केज हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही बेकार लग रहा है। तो हमारी आखिरी सिक्योरिटी जो है वो है बेडरॉक हाउस। क्या हुआ, अरे भिंडी, पूरा बेडरॉक हाउस बन गया हमारा। देखो घर ही पूरा बेडरॉक का बन गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं घर के अंदर, कोई हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। और देखो ये देखो ऐसे करते बंद हो जाता है, ऐसे करते वापस से चालू, बंद चालू, ऐसे हो जाता है। सो यहाँ पर एंटी मॉब्स करके कुछ है, इसको ऑन किया तो क्या होगा, सारे मॉब्स मरने लग जाएंगे। ओहो, आसपास के सभी मॉब्स मर रहे हैं। तो अब ये सब खोल करके चलते हैं बाहर और देखते हैं, कोई मॉब मिले तो टेस्टिंग के लिए पकड़ के लाएं, कोई मॉब मिलेगा। देखो कितने सारे मॉब घूम रहे हैं यहाँ पर, इस केली को पकड़ के लेके चलते हैं। एक ही एरो मारेगा, मैं मर भी जाऊँगा क्योंकि तीन ही हार्ट पे हूँ। अरे भिंडी जल्दी लगाओ, नहीं तो अंदर चलाएगा। अरे ये देखा, अल्ट्रा प्रो सिक्योरिटी आ नहीं पाई अंदर, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मैंने बंद कर दिया, और देखो कैसे मर रही है। अबे अबे ये क्या यार, ये बीच में खड़ी होकर जिंदा बच गई, ये लो गई, अभी सही है, मर गई। तो देखा चेक भी हो गया, हम लोगों ने मॉब पकड़ के लाया। और यहाँ पे अभी सब कुछ एक साथ लगा देते हैं तो बताते हैं, देखते हैं क्या होता है घर में। और ये कैमरे से देखते हैं, और देखो क्या ही खतरनाक दिख रहा है अपना घर। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मैं कैमरे में खुद क्यों नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो इसी जगह पर खड़ा हूँ ना, होगा पता नहीं क्या है माइनक्राफ्ट का फंडा। तो देखो क्या ही मस्त घर दिख रहा है ना, बेडरॉक वगैरह हर जगह लगा हुआ, और ये कहाँ घुसा दिया, अच्छा ये बाहर वाला कैमरा है। सो सर्वाइवल के लिए इससे ज़्यादा अच्छा और सेफेस्ट घर कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं तो कहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको और कोई चैलेंज देना हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हो, और वीडियो को बस लाइक कर लो, यही होगा। बाय बाय।